नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया 24x7 के एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की। आप लोग सोच रहे होंगे अमिताभ बच्चन जी की ये बात इसलिए कर रहा है क्योंकि उनकी मूवी ब्रह्मास्त्र आने वाली है, जो इसमें आपको रणबीर कपूर, आलिया भट्ट भी मुख्य रूप से दिखेंगे। पर ये है न्यूज़ इंडिया 24x7 का एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म। आपको वो चीज़ें तो मिलेंगी जो अभी चल रही हैं, पर वो चीज़ें भी मिलेंगी जो आपने सोची नहीं होंगी। मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की एक इंस्टाग्राम पोस्ट की, जिसमें उन्होंने अपनी पोस्ट शेयर करी और बताया कैसे लंबी लंबी लाइनें लगती थी उनकी मूवीज़ की। आप इस पिक के अंदर देख सकते हो लोग कैसे इंतज़ार के अंदर बैठे रहते थे कि सदी के महानायक की एक झलक देख सकें। आप इस पोस्ट से उनके एक नॉस्टैल्जिया काइंड की फीलिंग जो है ना, उसको भी महसूस कर सकते हो। उन्होंने अपने कैप्शंस में डाला, वो भी क्या दिन थे जब मेरी 5 बैक टू बैक मूवीज़ हिट हुई थी, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, गंगा की सौगंध, कस्मे वादे और भी काफ़ी सारी 1970 से लेकर 1980 तक इनकी मूवीज़ जो है सुपर डुपर हिट रही थी। ये कहना गलत नहीं है, 1970 से लेकर 1980 के दशक के ये शहनशाह ही थे। अमिताभ बच्चन ने जंजीर जैसी हिट मूवी देकर अपने करियर की शुरुआत करी थी, जिसको कभी ये कहकर नकार दिया गया था कि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, उसी आवाज़ के लोग आज कायल हैं। उन्होंने कैप्शन के अंदर ये भी डाला, यार वो क्या दिन थे। वाकई में अब समझ में आता है कि एक जब स्टारडम एक अभिनेता या अभिनेत्री देख लेती हैं और वो स्टारडम जब उन्हें नहीं मिलता दोबारा से, अगर आप देखो तो किसी हद तक अब सदी के महानायक का वो स्टारडम नहीं रहा है जो उन्होंने स्टारडम अपने एक टाइम में देखा था। तो ये देखकर पता लगता है कि उस टाइम पे क्या स्टारडम होता था, क्या पावर होती। तो करण जौहर की जो ये वाली बात है कि आजकल के जितने भी स्टार सारे उनके अंदर वो करिश्मा नहीं है, वो स्टारडम नहीं है जो शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार जैसे बड़े सितारों में होता था। पर देखो, कुल मिला के बातचीत ये है कि ऑडियंस जो है अब ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है, उसको भी पता है कि जैसे हम लोग अपना एक काम करते हैं वैसे एक्टर्स लोग का भी ये काम है। इसलिए उन्होंने अब जो है उनको सर पे बिठाना छोड़ दिया, उनको भगवान की तरह पूजना छोड़ दिया है। तो ये चीज़ें यार देखो, पता तो लगती है किसी हद तक जितने भी हमारे स्टार्स हैं इसको कहीं ना कहीं मिस तो करते ही हैं। पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अमिताभ बच्चन इस सदी के महानायक हैं और आने वाले सितारे भी इनकी बराबरी शायद ही कर पाए। बहुत सारे जितने भी आज भी यूथ हैं इनको देख के ही इंस्पायर होते हैं, इनको देख कर ही बॉलीवुड के अंदर एंट्री लेते हैं। अब हाल फिलहाल में जो है उनकी ब्रह्मास्त्र आने वाली है, देखने वाली बात होगी उनका इसमें रोल कैसा रहता है, क्या कोई छाप वो अपने रोल से दे पाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अमिताभ बच्चन जी को आप कहीं भी लिमिटेड नहीं कर सकते हैं। आप देखो तो उन्होंने एंग्री मैन से लेकर ब्लैक जैसी मूवीज़ भी करी हैं। आप देखो जितनी उन्होंने अपने टाइम में एक एंग्री मैन के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने वहाँ पे ही कॉमेडी मूवी भी करी हुई है और आप देखो पिंक जैसी मूवी भी करी हुई है जिसमें सीरियस करेक्टर रहा है उनका। तो यार ठीक है, सदी के महानायक ऐसे ही नहीं इनको कहा जाता। अभी तो फिलहाल इनको दोबारा देखने के लिए स्क्रीन पर हमें इंतजार करना पड़ेगा ब्रह्मास्त्र का। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, हम आपके लिए हमेशा से ही ऐसी तड़कती भड़कती एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबरें लाते रहेंगे। हमारी टीम ऐसी ही खबरें आपके लिए लाती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। आपका सपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कमेंट करके बताएं आपका क्या कहना है अमिताभ बच्चन जी की इस पोस्ट पे। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, और ऐसी एंटरटेनमेंट्स की अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24x7 का ये एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म।